नमस्कार दर्शकों, भन्ना समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के नगीना की, जहां अखिल भारतीय खटीक समाज बिजनौर उत्तर प्रदेश नगीना में एक सभा का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद मुंशी रामपाल के संरक्षण में सभा आयोजित हुई, जिसमें जिले भर से आए हुए खटीक समाज के लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूती प्रदान करने और खटीक समाज को आगे बढ़ाने के बारे में बताया। सभा में लखनऊ से पहुंची रचना पाल ने अपने संबोधन में समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। पूर्व सांसद मुंशीराम पाल ने अपने संबोधन में खटीक समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए संगठित होकर काम कराने का संकल्प लिया और खटीक समाज के संगठन की घोषणा करते हुए जिला अध्यक्ष सुनील पाल, महासचिव विनोद धारीवाल, कोषाध्यक्ष गब्बर पाल, मीडिया प्रभारी नंदलाल, सचिव नवीन पाल को नियुक्त किया गया। बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं और शिक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमारे बहुत होशियार हैं, लेकिन वो धन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो धन के अभाव में आगे नहीं बढ़ रहे, जब हम लोग सब एक जगह बैठेंगे तो वो सब उसका उपाय कुछ ना कुछ निकलेगा। सभी तरह के लोग हैं, कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन उसका सही उपयोग कहाँ कैसे किया जाए, और जो बच्चे हमारे होशियार हैं, टैलेंट है और वो आगे बढ़ सकते हैं, तो कहीं भी वो धन के अभाव में वो अपने वंचित होकर घर में न रह जाए। इस तरह के हमें समाज में काम करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, घरेलू परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें अगर जब हम मिलकर बैठेंगे, बहुत सारे आपस में शादी हो गई, उनमें मन मुटाव है, अब शादी तो आदमी जब करता है कोई ना कोई बता देते हैं, करा देते हैं, जिनने कराई वो पीछे हट जाते हैं, फिर जिनमें आपस में शादी हुई वो आपस में और अपनी बात को अपना कैसे तय करें, उसमें भी अगर समाज के जिम्मेदार साफ सुथरे बिना पक्षपात वाले लोग होंगे तो उनका निस्तारण कर सकते हैं, उसे बैठ कर निपटा सकते हैं, कोर्ट में अदालतों में वहां पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भूरे सिंह पाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में अनिल पाल, राजा राम, बिट्टू पाल, विकास पाल, नंदलाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पूरी जोर शोर के साथ लड़ना है, मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिनका प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना हुआ है, वो ऑनलाइन वाले समाज के जितने भी हैं, वो अपने के एफिडेविट उनकी जाति के वेरिफिकेशन के लिए देने का खर्च करें, ताकि उनका जो है सहयोग हो सके। और इसके अलावा धामपुर की समस्या है, मैं दो तीन बार उनकी समस्या के लिए गुलाबों देवी से भी मिला हूँ, लखनऊ कई बार गया हूँ उसी मामले में जिलाधिकारी का, अभी मेरे पास कुछ पत्र थे जो मैं भूल गया भूल बस, लेकिन उस धामपुर की लड़ाई को भी मैं जो है और अच्छी तरह से लड़ना चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहिए, मुझे किसी का पैसे की जरूरत नहीं है। हमारी उम्मीद से भी आगे आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे अखिल भारतीय खटीक समाज उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के जो हमारे खटीक समाज को संदेश देने के लिए जो भीड़, जो विचार, जो अंदाज आप लोगों ने हमें दिया है, उसके लिए हम विशेष रूप से बहुत आभारी हैं और मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे भाई श्री सांसद मुंशीराम पाल जी ने जो हमारी मदद, हमारी हेल्प, हमारा हौसला अफजाई किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम की ओर से। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।